आप लोग एग्जाम्पल हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई इस तरह से रहते हो, मेरा तो मन इतना खुश हुआ कि मैं रोज दुआ करता हूँ कि सारे भारत में सारी दुनिया में इस तरह की सोसाइटियाँ हों और ये जो धरती है यही जन्नत बन जाएगी। खुश रहो, बहुत सा प्यार, बहुत सी दुआएं आप सबको। मौका मिला यमला बगला के बाद फिर आता हूँ मिलने। ओके, गॉड ब्लेस यू, लव यू। अरे सोडी, सच में तू नहीं था तो सोसाइटी एकदम सुनी सुनी लग रही थी। और जेठा पर आ, और मैंने भी तो आपको कितना मिस किया। ओए बल्ले बल्ले, ओए आहू आहू, ओए बल्ले बल्ले, ओए शाबा शाबा। बस बस थक जाओगे। और सुनिए, और जैसे मछली तैरते समय नहीं थकती और पंछी उड़ते समय नहीं थकता, और ऐसे सोडी और नाचते समय नहीं थकता। ओए बल्ले बल्ले, मैं तुम्हारे थकने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इन लोगों के थकने की बात कर रही हूँ। तुम्हें नाचते देख ये लोग थक जाएंगे। ओ हाँ जी, वो ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अच्छा सोडी, बैठ बैठ बैठ। और जेठा भरा, और मैं बैठूंगा नहीं, और पहले तो मैं चाचा जी के पैर पड़ूंगा। आजा गोगी पुत्र, और पैरी पहना चाचा जी, आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो, खुश रहो। अब हम भी बापू जी टुकी का। मेरी माँ हमेशा कहती है बुजुर्गों के जितने भी आशीर्वाद मिले लेते रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी माता जी बिल्कुल सही कहती है, बड़ों से तो हमें पल पल आशीर्वाद लेना चाहिए। चलो रोशन, और गोगी पुत्र, और चलो आशीर्वाद ले। चलो आशीर्वाद दो चाचा जी। चल गोकी टिकरा, सामान ले लो। हम और क्या सामान ले लो, बिना खाना खिलाए मैं आपको नहीं जाने दूंगी। नहीं नहीं दया भाभी, हम आपको तकलीफ नहीं देना चाहते, हम तो सिर्फ गोगी का सामान लेने आए थे। कमाल करते हो रोशन भाभी, आप इतने दिनों के बाद आए और बिना खाना खाए ऐसे कैसे जा सकते हैं। दया भाभी, इतने दिनों तक आपने गोगी को संभाल के रखा, अब हम और तकलीफ नहीं देना चाहते। लो करो हाथ। रोशन भाभी, आप लोग बिना खाना खाए जाएंगे ना तो मुझे तकलीफ होगी। दया बिल्कुल सही कह रही है रोशन भाभी, आप अभी अभी बाहर गाँव से आए हैं, कहाँ घर जाके खाना बनाएंगे। अरे दया ने खाना तैयार ही रखा है, बैठ जाए खाना खाने बैठ जाए, क्या बोलते है सोडी? ओ बिल्कुल ठीक है जेठा परा। सू ठीक छे सोडी। ओ देख रोशन, ओ मैं पूरी दुनिया से पंगा ले सकता हूँ, मगर दया भाभी जी से पंगा नहीं ले सकता। ओ मैं तो रोटी शोटी खा के जाऊंगा। ये हुई ना बात सोडी। मम्मी आज दया आंटी ने धान शाक बनाया है। दया भाभी, आपने हमारे लिए धान शाक बनाया है? हाँ। लेकिन दया भाभी, आपको पता था कि हम आज आ रहे हैं? नहीं, वो क्या है, कल रात को गोगी को आपकी बहुत याद आ रही थी, तो मैंने सोचा आज उसको खुश करने के लिए धान शाक बनाऊंगी। थैंक यू। अब सब लोग बैठिए, मैं अभी खाना परोसती हूँ। दया भाभी, मैं भी आपको हेल्प करती हूँ। चल डब्बू, हम लोग भी सामान लेने जाते। गोगी उसी जा रहे हो? टप्पू इतना इमोशनल क्यों हो रहा है, मैं गोकुलधाम सोसाइटी थोड़ी ना छोड़ के जा रहा हूँ। चल 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 चल। गोगी, ये गोगी भी अभी तेरी तरह मजाक करने का सीख गया छोटी, हैं एकदम तेरे पे गया है। ओ जेठा परा, ओ बच्चे तो बाप पर ही जाएंगे ना, ओ बिल्कुल वैसे जैसे तुम चाचा जी पर गए हो। सॉरी चाचा जी, वो मुंह से ऐसे ही निकल गया। अरे नहीं नहीं सॉरी, तू सॉरी क्या बोल रहा है, अरे तू सही कह रहा है, मैं भी जेठिया के दादाजी पे ही गया हूँ। ओ चाचा जी, तो मुझे तो आपने ड्राई दिया था। आइए आइए। छोटी छोटी। दया भाभी, सच में आपने धान शाक एकदम परफेक्ट बनाया है। थैंक यू। वो टेस्टी है ना रोशन? सोडी भाई, ये लीजिए, ढोकले के पराठे। ढोकले का पराठा? ये कौन सी आइटम है? अरे भाई सोडी, पूछ मत, जब से गोगी यहाँ रहने आया है ना, तब से दया रोज एक गुजराती और एक पंजाबी आइटम का मिश्रण करके एक गुंजाबी डिश बनाती है।
कभी सरसों के साग के साथ थेपले, कभी आम रस के साथ मक्के दी रोटी, उसी तरह आज ये ढोकड़े के पराठे बनाए दया ने। हाउ स्वीट। वाह दया भाभी वाह, आपने तो पंजाबी और गुजराती डिशों को मिक्स करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। अरे थैंक यू, अब आप तारीफ ही करते रहेंगे कि खाएंगे भी। उनको पराठा नहीं दिया था, उनको तो पराठा था ढोकड़े का। ओ मुझे मजा आ गया भाई मजा। और रोशन और दया भाभी के हाथ का खाना खाकर तो मजा आ गया, अब तो मैं घर जाकर एकदम मस्त मस्त नींद लूंगा। हाँ हाँ, तुम तो घोड़े बेच के सो जाओगे, लेकिन सबसे पहले घर की साफ सफाई तो मुझे करनी है। कितने दिनों की धूल होगी वो साफ करना है, किचन साफ करना है, पर्दे चादर कपड़े सब कुछ धोना है। और वो चिंता मत करो सोनी, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। अब रहने दो रहने दो, तुम करोगे तो सब कुछ बिगाड़ दोगे। समझ में ना क्या तू, कि चमत्कार कैसे हो गया? सरप्राइज। वेलकम वेलकम वेलकम। ओह माय गॉड, इसका मतलब ये सब रोशन, अब समझे इस डेकोरेशन के पीछे कौन है? वो कौन है कौन है? और बाहर निकल। ओ खुदाई, इसका मतलब ये कि ये डेकोरेशन इन तीनों ने किया हमारे लिए। ओ मुझे पता है सुनियो, ओ मैं तो मजाक कर रहा सी। ओ थैंक यू भाभी, ओ थैंक यू। यू वेलकम। ओए आपने तो हमारे घर का नक्शा ही बदल डाला। रियली थैंक यू सो मच फॉर दिस बिग सरप्राइज। अरे अरे रोशन भाभी, ये बिग सरप्राइज तो आप लोगों ने हमें दी है, तो इतनी छोटी सी सरप्राइज हम आपको नहीं दे सकते। फिर भी इतनी तकलीफ लेने की क्या जरूरत थी? और रोशन भाभी, हम लोग इतना भी नहीं कर सकते। आप लोग इतना लंबा सफर करके आए हो, थक गए होंगे, आराम करो। हाँ रोशन भाभी, और इसलिए हमने आपके पूरे घर की साफ सफाई कर दी है। हाँ, आपका किचन भी नीट एंड क्लीन हो गया है। अरे और हाँ, फ्रिज में दूध भी रख दिया है और वॉशिंग मशीन में पुराने पर्दे डाल दिए। क्या बात है आंटी। और अंजलि भाभी थोड़ी ही देर में फ्रेश वेजिटेबल्स लेकर आती ही होंगी। ले रोशन, जो जो काम तू मुझे सीढ़ी पे गिना रही थी वो सारे इन्होंने कर दिए। भाई अब तो तुझे आराम ही आराम है। सच में, this is really so sweet of you. Thank you so much for this big surprise. Thank you क्या उसमें रोशन भाभी? थोड़ी। बोले 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 बोले। ओ थोड़ी यार। अरे आओ। ओ भिड़ू, ओ क्या लग रहा है ओए? ओ तारीफ बाद में कर, पहले इसे पकड़ तो यार। आजा आजा। ओ लेकिन भिड़ू ये सब है क्या? अरे यार आज वो म्यूनिसिपैलिटी के पीने के पानी की कटौती है ना, तो तुम्हारे घर पे पानी होगा नहीं, इसलिए मैं हमारे घर से लेके आया। सो स्वीट। ओ भिड़ू, ओ सोसाइटी का सेक्रेटरी हो तो तेरे जैसा और दोस्त हो तो वो भी तेरे जैसा। और रोशन, अब हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और जब भी म्युनिसिपैलिटी के पानी की कटौती होगी ना, तो अपना बीड़ू सभी के घरों में पानी पहुंचाएगा। तो क्यों बीड़ू? क्या बोल रहे हैं? वो मजाक कर रहा हूँ बीड़ू, मजाक कर रहा हूँ, गले लग जाऊ। तुम्हारा तुम्हारा मजाक भी ना छोड़ी। बीड़े भाई, आप सबने हमारे लिए इतनी तकलीफ ली, थैंक यू सो मच। क्या रोशन भाभी बार बार थैंक यू थैंक यू। और नहीं तो क्या रोशन भाभी, मान लो अगर कल हम लोग बाहर गांव से आते हैं तो सोड़ी मेरे लिए हंडे भर के पानी लेके आएगा। क्यों सोड़ी? ओए और मैं कोई हंडे वंडे भर के लेके आने वाला नहीं हूँ।
और पूरा टैंकर भर के लाऊंगा। इसको बोलते हैं सोड़ी गिरी। सोड़ी भाई बन जे सोड़ी भाई है। बोले 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 बोले। चल। हाँ हाँ। सोड़ी। अब तुम आराम करना। बाद में आराम से बातें करेंगे हाँ। अच्छा रोशन भाभी शाम को म्युनिसिपैलिटी का पानी आ जाएगा हाँ। और हाँ वो जो हंडे है वो खाली करके बाद में मेरे शेर पुत्र वो क्या हुआ? अरे सूत है यू इतना शांत क्यों है? मैं आप दोनों से कट्टी हूँ। अरे तो क्यों पुत्र? मुझे भी अमृतसर आना था, मुझे भी दादाजी से मिलना था। ओ मेरे शेर पुत्र तू फिक्र मत कर, तो अगली बार तुझे ही नहीं और पूरे टप्पू सेना को अमृतसर लेके जाऊंगा। अरे सिर्फ टप्पू सेना को क्यों, पूरे गोकुलधाम सोसाइटी को अमृतसर ले चलेंगे। सच मम्मी? सच्ची मुच्ची। और रोशन और कब से बुला रहा हूँ, और कहाँ है तू? आ रही हूँ, सूच है, किचन में काम कर रही थी। और काम तो फिर भी हो जाएगा, अब बैठना तो प्यार की गल करते हैं। सीन तो बस, अरे गोगी आ जाएगा। लो, बस, ओ बैठना। अरे यही हूँ, किचन में नहीं जा रही हूँ, बता। ओ सुने हो, मैं तो ये कह रहा था कि अपना घर तो अपना ही होता है, और जो सुकून अपने घर की चार दीवारी में मिलता है ना, वो दुनिया में कहीं नहीं मिलता। सच कहा रोशन, इसीलिए हम लोग में कहते हैं धरती नो छेड़ो घर। और इसीलिए तो हमने अपने ड्रीम होम के साथ फिर से अपना छेड़ा जोड़ लिया। और क्या मेरी जाने जिगर गुल पतन जाने निसार। अचानक क्या हो गया, शेरो शायरी? और रोशन की रोशनी में रोशन शायर नहीं बनेगा तो और क्या कायर बनेगा। अरे कोगी आ रहा है। ओ पुत्र मुझे पापो पापो क्यों कर रहा है? पापा? मैंने पापो पापो नहीं, पापा पापा बुलाया। पापा चलो ना मेरे साथ पकड़ा पकड़ी खेलो ना। ओ पुत्र ओ तेरे साथ पकड़ा पकड़ी खेलने के लिए तो मैं कब से तरस रहा था। ओ चल फिर हो जा शुरू मेरे शेर पुत्र। ओके 3 2 1। अरे ओ शोर शोर ओ रोशन शोर। अरे अरे बच्चों, दादाजी क्या बात है, आज टप्पू सेना इतनी शांत क्यों है? कोई गड़बड़ है क्या, किसी ने खेलने से मना किया है? अरे कुछ तो बोलो, कहीं कोई तोड़फोड़ तो नहीं किया ना? नहीं दादाजी, कल हमारा रिजल्ट है ना, इसलिए बहुत टेंशन में है। और दादाजी सब स्कूल का रिजल्ट आ गया है, हमारे स्कूल ही लेट है। अगर हम फेल हो गए तो टेंशन, अगर हम पास हो गए तो भी टेंशन। पास हो गए तो क्या टेंशन है? हाँ। अरे सोनू रिजल्ट आते ही स्कूल तुरंत शुरू हो जाएगी, उसके बाद बॉल बैट कैरम वीडियो गेम, सबसे नाता टूट जाएगा, सबसे हमारी दोस्ती टूट जाएगी। अरे बच्चों इसी का नाम तो जिंदगी है, कभी छुट्टी कभी पढ़ाई है। अरे तुम लोगों ने जैसे खिलौनों से दोस्ती की है, उसी तरह अगर किताबों से भी दोस्ती कर लो तो स्कूल जाने में भी उतना ही मजा आएगा। दादाजी हमें किताबों से दोस्ती करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर किताबें हम लोग से दोस्ती नहीं करती है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हमारा रिजल्ट क्या आएगा, अगर हम सब पास हो गए तो कोई टेंशन नहीं है, पर अगर हम में से कोई एक भी फेल हुआ तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अरे बच्चों इतनी चिंता मत करो, अगर परीक्षा में अच्छी मेहनत की है तो रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा, हमारा काम है सिर्फ अच्छी मेहनत करना, फल अपने आप मिलता है, हमें भगवान पे भरोसा रखना चाहिए। हाँ दादाजी अब तो सब भगवान जी के ऊपर ही है, भगवान जी प्लीज अपने इन बच्चों को संभाल लेना। ओह प्लीज।
क्या सब पुराने सर्टिफिकेट्स, मेडल्स, अवार्ड्स निकाल के बैठे हो? सोना नहीं है? माधवी, मैं इन सबको आखिरी बार देख रहा हूँ। अहो, काय बोलता है? अरे, मेरा मतलब है कि ये सारे अवार्ड्स, सर्टिफिकेट्स और मेडल्स को मैं माली पे रखने वाला हूँ। ये सब आप मालिये पे रखने वाले? हाँ। मतलब ये सर्टिफिकेट्स, मेडल्स, अवार्ड्स आप मालिये पे रखेंगे? ओ माधवी, नहीं नहीं नहीं, विश्वास नहीं हो रहा है। क्यों? याद है आपको, आप अपने हनीमून पे भी ये सब लेकर आए थे। हाँ का है बेड़े, हर रात हर मेडल की, हर सर्टिफिकेट की और अवार्ड की कहानी भी सुनाई थी आपने, और अचानक ये सब माले पे का? माधवी, हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे भी आगे निकल जाएं। मेरे अवार्ड, सर्टिफिकेट्स और मेडल्स की जगह अभी सोनू के अवार्ड, सर्टिफिकेट्स और मेडल्स आएंगे, इसलिए मैंने माले पे रख रहा हूँ। हाँ, करा है, और कल सोनू का रिजल्ट है ना? हो ना माधवी, रिजल्ट अच्छा होगा ना? आता बोला। रिजल्ट अच्छा आएगा ना? मंजे का है। आप नाखून खाना बंद करो पहले, और आप सोनू की चिंता मत करो, उसने हमेशा हमारी अपेक्षाओं से ज्यादा ही मार्क्स लाए हैं, हो कि नहीं? बरोबर है, पर माधवी, सिर्फ मार्क्स अच्छे आने से कुछ नहीं होता है। मैं चाहता हूँ कि सोनू पूरी स्कूल में फर्स्ट आए। पता है माधवी, मैंने अपनी सोनू के लिए ना एक सपना देखा है। मैं अपने सोनू को MBA कराऊंगा, वो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में CEO बनेगी, लोग उसे मैडम मैडम कह के पुकारेंगे, वो देश विदेश घूमेगी। अपनी सोनू MBA हो जाएगी तो कैसा रोब होगा ना उसका, और कैसे लगेगी वो? एकदम टॉप क्लास मॉडल है। अरे हाँ, अंदर ड्राइवर भी है वर्दी के साथ। अति भाई, अरे बड़े मास्टर सोनू बेटा, भाभी, कमाल हो गया ना? खुदाई, कितनी सोची लगे तू सोनू, एकदम परफेक्ट मैडम जेवी। काला टीका किया ना? हाँ। ये तो माधवी भाभी और भिड़े भाई के संस्कार है। भिड़े भाई ने सोनू को पढ़ाने के लिए कितनी मेहनत की है। बराबर। वेल डन भिड़े भाई, वेल डन। एंड वेल डन सोनू, यू टू, इतने बड़ी कंपनी की CEO बन गई, और इतनी मस्त गाड़ी, क्या बात है। यू मेड अस ऑल प्राउड बेबी। अरे सोनू ने MBA में टॉप किया है, टॉप। सोनू बेटा, तुम हमारे गोकुलधाम सोसाइटी की शान हो। खरेखर वो कहते हैं ना, मुर्गी शिकली प्रगति जाली, बराबर? बराबर बराबर। अब तो तुम्हें मिठाई खिलानी पड़ेगी। अरे हाथी अंकल, आप मिठाई की क्या बात कर रहे हो, मैं सबको 5-star होटल में पार्टी दूंगी। बाबा, आई आशीर्वाद दो। अरे आज से आप दोनों को काम करने की कोई जरूरत नहीं, से सारी जिम्मेदारी मेरी। सोनू बेटा, मैं क्या बोलूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सोनू बेटा, हम दोनों को तुम पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है बेटा, बहुत गर्व महसूस हो रहा है, शाबाश। ये सब तो आप दोनों के आशीर्वाद से है। वाह माधवी, कितना प्यारा सपना है। नहीं, ये अपना सपना सच होगा ना? होगा होगा, और जरूर होगा। और सोनू की तरक्की के अलावा भगवान से हम लोगों ने आज तक कुछ मांगा है? चलिए अभी सो जाइए, कल रिजल्ट लेने जाना है ना। आस पड़ोस का प्यार किस तरह से निभाया जाता है और पड़ोसी पड़ोसी में कैसे संबंध होते हैं, अगर ये देखना हो तो मेरे ख्याल से गोकुलधाम सोसाइटी से बेहतर जगह कोई हो ही नहीं सकती। यहाँ देखिए ना, आपस में कितना प्यार है। और वैसे सच कहा है साहब, आपका परिवार यूं तो आपके साथ होता है, लेकिन परिवार पूरा तब होता है जब आपका पड़ोसी अच्छा हो। एक ऐसा शहर जहाँ आपके आसपास कोई ना हो तो शहर रेगिस्तान जैसा लगने लगता है, लेकिन एक रेगिस्तान में भी पड़ोसी अच्छा हो तो रेगिस्तान में बाहर आ जाती है। लेकिन अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि मिस्टर सोढ़ी के आ जाने से यहाँ गोकुलधाम में चिंताएं समाप्त हो गई है, तो
तो आप गलत सोच रहे हैं साहब। ये गोकुल धाम है, यहाँ एक टेंशन खत्म होता है और दूसरा टेंशन दीवार से भीतर कूद के आने के लिए तैयार रहता है। अब एक नया टेंशन है, टप्पू सेना का रिजल्ट। आखिर बच्चों का रिजल्ट क्या होगा? वैसे रिजल्ट तो वही होगा जैसा उन्होंने एग्जाम्स में लिखा होगा, लेकिन यही तो टेंशन है कि क्या होगा रिजल्ट, क्या किया होगा उन्होंने एग्जाम में जिसका परिणाम अब आने वाला है। लेकिन ये रिजल्ट आएगा तो लेके आएगा ठहाके, सोचिए तब तक क्या रहेगा रिजल्ट। हंगामे ही हंगामे, मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलो।